तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का करता हूं स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कल होने वाला है इंडिया और बांग्लादेश के बीच सेकेंड ODI मैच। जी हां, फर्स्ट ODI मैच इतना इंटरेस्टिंग रहा कि टीम इंडिया इस मुकाबले को 1 विकेट से हार गई थी। जी हां, इस मुकाबले को टीम इंडिया हार गई थी। अब देखना होगा सेकेंड ODI में क्या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत कर कमबैक करेगी, या फिर बांग्लादेश इस मैच को जीत के ODI सीरीज भी अपने नाम करने वाला है। परफेक्ट प्रेडिक्शन इस मैच की बाय एस्ट्रोलॉजी और बाय न्यूमरोलॉजी से हम जानने वाले हैं। पिच रिपोर्ट क्या होगी, टॉस कौन जीतेगा, मैच कौन जीतेगा और कौन से होंगे वो 5 खिलाड़ी जो कि आज बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले हैं, जानेंगे इस पूरे वीडियो में। लेकिन यदि आपने अब तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि आपको सारे मैच की प्रिडिक्शन टेलीग्राम पे मिल जाती है। टॉस विनर, मैच विनर, हर छोटे छोटे मैच की प्रिडिक्शन आपको मिल जाती है। कल हुआ था स्कॉटलैंड और नाम्बिया का मैच, हमने नाम्बिया की विनर टीम दी थी और नाम्बिया उस मुकाबले को जीत करके बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको मैंने अर्न कराया था। कबड्डी की टीम भी आपको दिया था, कबड्डी की टीम भी लगातार जीतती है टेलीग्राम पे, तो लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट ODI में क्या हुआ था, हमने इंडिया की सेकंड इनिंग में एंट्री दी थी। सेकंड इनिंग में इंडिया 20 पैसा आ गया था, वहां पे हमने एंट्री दी थी इंडिया की और लास्ट में बुक सेट करा करके वो मैच में भी फर्स्ट ODI में भी हमने जैकपॉट निकाला था। तो भैया सब टेलीग्राम पे होता है, तो लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो हमेशा हर दिन फायदे में रहोगे। बात करते हैं मैच की, तो फर्स्ट ODI हारने के बाद टीम इंडिया होने वाली गुस्से में। मैच की तारीख होने वाली 7 दिसंबर दिन होने वाले बुधवार का। यदि बात करूं एस्ट्रोलॉजी की तो इंडिया का शुक्र स्वामी, रोहित शर्मा का शुक्र स्वामी, शुक्र बुध आपस में मित्र है, दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट चले जाते हैं इंडिया के पास में। बात करता हूं बांग्लादेश की तो बांग्लादेश का स्वामी शुक्र, लेकिन कप्तान लिटन दास का स्वामी मंगल, जो कि एक शत्रुता लेके आता है यहाँ पे लिटन दास के लिए। मतलब कि इस मुकाबले को जो टॉस है वो टॉस जीत सकती है हमारी टीम इंडिया। पिच रिपोर्ट की बात करता हूं तो दोस्तों, यह बांग्लादेश की जो मुकाबला जिस पिच में होने वाला है, इस पिच रिपोर्ट में टॉस उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि यहां बैटिंग फर्स्ट करके भी टीम जीतती है और बैटिंग सेकंड करके भी चेस भी होता है। तो लगभग यहां पे आज की इस मुकाबले अगर टीम इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती तो आपको 320-330 का स्कोर देखने को आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर बांग्लादेश की टीम बॉलिंग पहले बैटिंग करती है तो 250-260 के आसपास स्कोर बनने की संभावना है। बात करते हैं टॉप 5 खिलाड़ी जो कि इस मुकाबले में आपको बहुत बढ़िया पॉइंट्स अर्न करके दे सकते हैं। प्लेइंग 11 में एक चेंज में देखना चाहता हूं और वो हो सकता है कि आपको टीम इंडिया में राहुल त्रिपाठी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जी हां, पहले ODI में टीम इंडिया ने एक बैट्समैन कम खिला के ऑलराउंडर को स्पेस दिया था, वहां में आज शायद हो सकता है कि शहबाज अहमद न खेले, उनके बदले राहुल त्रिपाठी आज यहां पे मैच खेल सकते हैं। बाकी 5 खिलाड़ी की बात करता हूं, सबसे पहले दोस्तों बात करता हूं इंडिया में, तो आज आपको अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करे तो रोहित शर्मा और सेकंड बैटिंग करे विराट कोहली, दोनों को प्लेयर अगर फर्स्ट बैटिंग में रोहित शर्मा को पिक करना ही करना है और सेकंड बैटिंग में विराट कोहली को पिक करना ही करना है। रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद बात करता हूं दोस्तों यहां पे वॉशिंगटन सुंदर की, ये बैटिंग में भी अच्छे खासी बैटिंग करेंगे और गेंदबाजी में 2 विकेट भी ले सकते हैं। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और यहाँ पे एक वॉशिंगटन सुंदर। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे शाकिब अल हसन ने पिछले मुकाबले में 5 विकेट लिए थे, बट आज शायद ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तो आज आपको जो बल्लेबाजी है इसमें शांटो को, जी हाँ, शांटो को भी पिक करना है। शांटो के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको लिटन दास को पिक करना है, शांटो, लिटन दास और गेंदबाजी में मुस्ताफिजुर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और यहाँ इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में दोस्तों मोहम्मद सिराज भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करने वाले हैं। तो ये होगा हमारे टॉप 5 प्लेयर। अब बात करते हैं मैच विनर की। दोस्तों इस मुकाबले को टीम इंडिया आसानी से, जी हाँ क्या बोल रहा हूँ, आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम करने वाला है। फर्स्ट ODI गलती से हार गया था और हमने उस हारे हुए मैच में भी जैकपॉट अर्न किया था। जी हाँ, क्या किया था, जैकपॉट अर्न किया था टेलीग्राम पे, सेकंड इनिंग में एंट्री दे करके एग्जिट करवा करके जैकपॉट अर्न किया था। ऐसे जैकपॉट पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बैश आने वाला है, बिग बैश में अर्न प्रॉफिट करना चाहते हो, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंडिया आसानी से मुकाबला जीतने वाला है।